कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल की हैट्रिक लगाने के दावेदार रेसलर सुशील कुमार का नाम गोल्ड कोस्ट कॉमनवेल्थ 2018 की एंट्री लिस्ट में ही नहीं है। यह इवेंट 4 अप्रैल से शुरू होना है। सुशील ने 2010 के दिल्ली कॉमनवेल्थ गेम्स में 66 किलोग्राम फ्री स्टाइल कैटेगरी और इसके बाद 2014 के ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में 74 किलोग्राम की फ्री स्टाइल कैटेगरी में गोल्ड जीता था। इनके अलावा वो 2008 के बीजिंग ओलंपिक में ब्रॉन्ज और 2012 के लंदन ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीत चुके हैं। एजेंसी के मुताबिक कॉमनवेल्थ 2018 गेम्स की वेबसाइट पर 74 किलोग्राम रेसलिंग कैटेगरी की लिस्ट जारी की गई है। इसमें सुशील का नाम नहीं है। लिस्ट में कुल 15 खिलाड़ियों के नाम हैं। अन्य कैटेगरी में कुछ भारतीय नाम शामिल हैं। सुशील के कोच ने लिस्ट में नाम न होने पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि इस लिस्ट में अन्य भारतीय खिलाड़ियों के नाम हैं, लेकिन सुशील का नाम क्यों नहीं है, इसका क्या कारण हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सुशील 20 मार्च से जॉर्जिया में ट्रेनिंग कर रहे हैं। 21वें कॉमनवेल्थ गेम्स ऑस्ट्रेलिया में क्वींसलैंड के कोस्ट में 4 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। 15 अप्रैल तक चलने वाले इस इवेंट के लिए सदस्यीय भारतीय दल जिसमें 123 पुरुष और 104 महिलाएं शामिल हैं, उनका ऐलान हो चुका है। एथलेटिक्स में सबसे ज्यादा 37 और हॉकी में 36 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। भारतीय दल में सबसे ज्यादा 32 खिलाड़ी हरियाणा से चुने गए हैं। इस बार कॉमनवेल्थ इवेंट में कुल 19 गेम शामिल किए गए हैं। भारतीय खिलाड़ी इनमें से 14 में हिस्सा ले रहे हैं। नेक्स्ट नाइन स्पोर्ट्स डेस्क की रिपोर्ट।